हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। होप आप लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज के ये वीडियोस जो हैं पसंद आ रहे होंगे और आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में पूरे में जो हम एनवायरमेंटल साइंस का अपना सिलेबस कवर करेंगे तो बहुत ईजी वे में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो अभी तक हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, है ना। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो पहले देख लेते हैं कि एनर्जी फ्लो बेसिकली होता क्या है। तो एनर्जी फ्लो होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी के मूवमेंट को एनर्जी फ्लो बोला गया है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का फ्लो होगा ये किस तरीके से होगा, ये होगा अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना और लास्ट में एनर्जी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाना या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लॉस हो जाना, इसको एनर्जी फ्लो बोला गया है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर पहले एनर्जी जो है बेसिकली सन से रिसीव होगी, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी पास होगी और लास्ट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा, वो लॉस हो जाएगी। तो इसी को बोला गया है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और ये जो पूरा प्रोसेस है एनर्जी फ्लो का, ये मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस है एनर्जी का, एनर्जी फ्लो का, ठीक है। और ये सभी इकोसिस्टम के लिए क्या है, कॉमन प्रोसेस है। अब आपका हमने क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पढ़े, नेचुरल आर्टिफिशियल, है ना। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो तो दोनों के अंदर ही जो एनर्जी का फ्लो होगा वो इसी तरीके से होगा जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन बी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हम इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे, आगे इसको समझेंगे, तो हम ये देखेंगे कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स के जो दो लॉ हैं, टू लॉज हैं, उनको फॉलो करता है और साथ में ही एनर्जी फ्लो जो होता है उसका मूवमेंट या उसका जो डायरेक्शन होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। मतलब एनर्जी फ्लो जो होती है सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो होती है ना। तो हम दोनों लॉस को समझेंगे और दोनों लॉस कैसे हमारे एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर या हमारा इकोसिस्टम कैसे उसको फॉलो कर रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू नो प्रॉपरली अबाउट एन इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स फिक्सिंग ऑफ रेडियंट एनर्जी ऑफ सन बाय प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी टू कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे इकोसिस्टम के अंदर सोलर एनर्जी जो है वो फिक्स हो रही है, फिर वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रही है, डिकम्पोजर्स में जा रही है, और पूरे प्रोसेस में एनर्जी कैसे लॉस हो रही है, तो इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन सिंपली चेंज इट्स फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी जो है अपनी फॉर्म चेंज करती है। अब देखिए इकोसिस्टम में ये कैसे फॉलो हो रहा है। इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, है ना। तो आपको पता है ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है और उसी सनलाइट को वो इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं, और फूड में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो हमने देखा कि एक तरीके से ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या ऑटोट्रॉप्स हैं या ग्रीन प्लांट्स हैं, इन्होंने सनलाइट को केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी की क्या हो गई, यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गई। अब ये जो केमिकल एनर्जी होगी
ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हिटरोट्रॉप्स या कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो हिटरोट्रॉप्स होंगे जब भी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, है ना, और जो आपके क्या कहते हैं जैसे हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स को खाएंगे, तो एक ये चेन बन जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो दिस केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू हिटरोट्रॉप्स दैट इज कंज्यूमर्स व्हेन दे फीड अपॉन ऑटोट्रॉप्स, एंड फाइनली व्हेन ऑटोट्रॉप्स डाई दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू डिकम्पोजर्स विच फीड अपॉन देम, है ना। और फाइनली क्या होगा कि जब भी प्रोड्यूसर्स की, हीटरोट्रॉप्स की या प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स की डेथ होगी तो उनकी डेड बॉडीज के ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे तो उनको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। हैंस इन दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो वी कैन सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ऑपरेटिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट लॉ आपने देखा कैसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, प्लांट्स ने सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो केमिकल एनर्जी कहाँ जाएगी, फूड के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी। उसके बाद वो केमिकल एनर्जी जब फूड में से निकलेगी तो एटीपी की फॉर्म में निकलेगी, उसको हम या प्लांट्स या एनिमल्स जब यूटिलाइज करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, डिफरेंट तरह का मूवमेंट करेंगे, और अल्टीमेटली वही एनर्जी हीट की फॉर्म में चेंज होके हमारी बॉडी से, प्लांट की बॉडी से, एनिमल की बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो आप हर एक स्टेप पे देखते जा रहे हैं कि एनर्जी की क्या होती जा रही है, फॉर्म चेंज होती जा रही है ना। तो ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे सोलर रेडिएशंस हैं, इन सोलर रेडिएशंस को प्रोड्यूसर्स ने लिया है ना, और उससे अपना फूड प्रोड्यूस कर लिया। इन प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ और ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, तो एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर हो गई। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कार्निवोर्स ने खाया तो एनर्जी इनके अंदर आ गई, और जब प्रोड्यूसर्स की डेथ हुई है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स की डेथ हुई और सेकेंडरी कंज्यूमर की डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडीज के ऊपर डिकम्पोजर्स ने एक्ट किया, डिकम्पोजर्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ठीक, इतना समझ आया। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या इकोसिस्टम के केस में देखें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, तो कभी भी 100% ट्रांसफर नहीं होता। एक लार्ज अमाउंट जो है एनर्जी का वो हीट की फॉर्म में बॉडी से निकल के एटमॉस्फेयर में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। तो इट मे बी क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट देयर इज अ सक्सेसिव डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। अब देखिए, हमने देखा कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो प्रोड्यूसर्स के अंदर जो एनर्जी होगी कभी भी हर्बीवोर्स को 100% नहीं मिलेगा, उसका एक लार्ज पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में लॉस हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में भी क्या होगा, लार्ज पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा, और तीसरा क्या है, तीसरे केस में भी क्या होगा, लार्ज पार्ट जो है एनर्जी का वो लॉस्ट हो जाएगा, एनर्जी लॉस्ट एज हीट। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि प्रोड्यूसर्स ने फूड प्रोड्यूस किया है ना, एनर्जी को उन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी तो ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें से कुछ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूसर्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में खर्च कर देंगे, तो टोटल 100% एनर्जी आगे नहीं जाएगी। ऐसे ही जो हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स के अंदर जो बेसिकली एनर्जी होगी वो कभी भी 100% एनर्जी जो है उन ऑर्गेनिज्म से कार्निवोर्स के अंदर जो है नहीं जाएगी, क्योंकि हर्बीवोर्स के अंदर जो एनर्जी होगी उसमें से कुछ पार्ट जो है हर्बीवोर्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कंज्यूम कर लेंगे, बाकी की एनर्जी कार्निवोर्स में जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एक ये आता है कि कितने परसेंट एनर्जी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाती है, कितनी लॉस होती है। तो उसके लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, उसका नाम है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये 10% लॉ जो है ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में, और
इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन द एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये लॉ ये कहता है, 10% लॉ, कि जब भी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, है ना, एक जो एनर्जी है, सॉरी, ग्रीन प्लांट से जब हर्बीवोर्स में जाएगी एनर्जी, तो कभी भी 100% नहीं जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ इसका, तो आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एनर्जी जब यहाँ से ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स में जा रही है, तो कभी भी, मैंने अब 10% अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, बाकी 90% जो है ये लॉस हो जाएगी। ऐसे हर्बीवोर से कार्निवोर्स के अंदर जब एनर्जी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 10% जाएगी, 90% लॉस हो जाएगी, है ना। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे यही होगा कि एनर्जी जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, तो 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी और 90% हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो इसको याद करना बहुत इजी है, जैसे इस लॉ का नाम है 10% लॉ, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि 10% नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगी। ठीक है, तो इतना भी याद कर लेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे कि 10% नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगी, तो 90% का क्या होगा, 90% लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों लॉ जो हैं ये फॉलो होते हैं। अब देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन आर वेरी लो। जो प्राइमरी प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो अगर देखा जाए इकोसिस्टम या पूरे उसके ग्रीन प्लांट्स के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो वो काफ़ी लो है। जो टोटल हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो 1% से लेके 1.5% तक सनलाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो लेस देन 1%, ये लेस देन लिख दिया यहाँ पे, 1 से 1.5 मान लीजिए आप, 1 to 1.5% ऑफ, इसको लेस देन यहाँ से हटा दीजिएगा, 1 to 1.5% ऑफ रेडिएट एनर्जी अवेलेबल टू प्लांट्स हैव बीन कैप्चर्ड एंड ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फिर हम ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो होता है एनर्जी फ्लो के अंदर, ये जो पूरा प्रोसेस है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन में, ग्रीन प्लांट ने एनर्जी को ट्रैप किया, है ना, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर हो गई, उस फूड को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी आ गई, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया उनके अंदर आ गई, उसके बाद डिकम्पोजर्स में आ गई जब उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी निकल के कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। क्या कभी आपने सुना है कि जो एनर्जी एक बार ग्रीन प्लांट्स में आ गई वो वापस सन में गई हो? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। That is energy trapped by green plant from sun does not goes back to the sun. Sun में वापस नहीं जाती है। Sun में अगर वापस जाती है energy, तो हम energy flow को क्या बोलते, cyclic बोलते। लेकिन यहाँ cyclic नहीं है, यहाँ पे unidirectional flow है। ऐसे ही energy which is transformed from green plants to herbivores does not come back to autotrophs. Herbivore से green plant से primary consumer में गई, है ना, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर से वापस ग्रीन प्लांट्स में नहीं जाएगी। ठीक, तो अल्टीमेट सोर्स देखिए यहाँ पे क्या है इकोसिस्टम के लिए, सोलर रेडिएशन है, सन है, और इस सन को हटा देंगे तो क्या होगा, एक अजम्पशन कीजिए कि अगर इकोसिस्टम के अंदर सनलाइट आना बंद कर दे, सनलाइट ना आए, तो क्या होगा, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या कर जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए सन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Therefore, if we remove sun, the ecosystem will collapse. और एक और चीज इसमें हम देखते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग 10% आगे जा रही है और 90% लॉस हो रही है, तो क्या होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी देर इज अ लॉस ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट इन टू द एटमोसफेयर। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो एक फूड चेन में जुड़ा हुआ है, लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म तक जब एनर्जी पहुंचेगी तो वो कम होती चली जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, देर इज अ सक्सेसिव डिक्रीज इन एनर्जी एज वी गो टू हायर ट्रॉफिक लेवल, सो शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर विल बी द अवेलेबल फूड एनर्जी। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी,
लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उतनी ही अधिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर फूड चेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़ जाते हैं, तो लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उतनी ही कम एनर्जी जो है मिलेगी। तो फूड चेन छोटी होगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फूड चेन बड़ी होगी तो लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उतनी ही कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोसेस था एनर्जी फ्लो का। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, इस वाले फिगर को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इसी को बनाइए, और दोनों लॉ थर्मोडायनेमिक्स के लिखने हैं, 10% लॉ लिखना है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो लिखना है। इन्हीं को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे फिगर के बेस पे, तो आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, और आप लोग जो है इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ या जो और लोग एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।